3 दिसंबर को ओरमांझी में एक युवती की सरकटी लाश मिलने के बाद झारखंड की विपक्षी पार्टी लगातार हेमंत सरकार पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी ने राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना दिया। आज में बढ़ते अपराधी घटनाओं को खासकर महिलाओं के बढ़ते को देख करके भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। विशेष देखा जाए तो आज राज्य सरकार का गठन से लेकर के उनका एक साल का जश्न को देखेंगे तो कुल मिलाकर के पुलिस या रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 1700 महिलाओं के साथ घटना हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 600 आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हुई है, उसी तरह से 400 ऐसे एसटी महिला एससी महिला उनके साथ बलात्कार हुई है। अगर इन सब आंकड़ों को देखा जाए तो 18 वर्ष से कम उम्र की 332 महिला 432 महिला और 18 साल से अधिक के उम्र की अगर बात करते हैं तो 614 महिलाओं बलात्कार हुई है। अभी सब बलात्कार हम यही कहना चाहेंगे कि झारखंड में कहीं सुरक्षित नहीं है। दो दिन पहले ओरमांझी में जिस बहन के साथ में हृदय विदारक घटना घटी है उनको लेकर के रांची की जनता आक्रोश होती है। सिर्फ रांची की ही जनता नहीं, पूरे प्रदेश में महिलाएं और पुरुष सभी आक्रोशित होकर के आंदोलन करने उतरते हैं। तो आपको जो घटना हुई उनको आपको न्याय दिलाना चाहिए, तो आप न्याय दिलाने के बजाय जो दुष्कर्मी है उनको आपने बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी बात, जो आंदोलनकारी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी कहीं भी आंदोलन कर सकता है, आवाज़ उठा सकते हैं, आपने उनको कुचलने का काम कर रहे हैं। जहां अपराध है उन्हें तो आपने रोका नहीं, और जिस तरह से बात कर रहे हैं काफिला को रोकने का, काफिला को किसी ने नहीं रोका है। अगर काफिला को रोकने का काम किया तो पुलिस व्यवस्था लगी हुई थी, पुलिस बल पुलिस प्रशासन कहाँ थी जो आपका सुरक्षा नहीं कर पाए, आपका खुफिया एजेंसी कहाँ था जो आपको सुरक्षित नहीं कर पाए। तो अगर कोई व्यक्ति आवाज़ उठाए तो जो असामाजिक तत्व लोग हैं ऐसे को उठाइए, निर्दोष को आपको उठाने का जरूरत नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ जेएमएम और कांग्रेस के लोगों को, आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब जब किसी भाई या किसी बहन के साथ में किसी तरह का घटना अगर होती है तो उसके साथ खड़े होंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस और जेएमएम के लोगों से कि जो मर्डर हुआ, जिनके साथ बलात्कार हुआ, उनके लिए आपके मुंह से थोड़ा सा भी तल्क नहीं निकला, थोड़ा सा भी मुंह नहीं खुला। और आप जब हम धरना पर बैठ गए तो कई बातें आप उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आप एक तो आपका शासन को सुशासन बनाइए, अन्यथा आप शासन छोड़ दीजिए। क्या किसकी सुरक्षा कर रही है? देखिए, वर्तमान जो सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है जेएमएम और कांग्रेस, ये सरकार आम जनता से पूछिए, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, महिलाएं हो बच्चे हो पुरुष हो, दिन दहाड़े हत्या अपराध बलात्कार, इस तरह का शासन 50 साल में हम लोग को महसूस नहीं हुआ, लेकिन 1 साल के कार्यकाल में लगातार राजधानी के बगल में जिस तरह से हत्या हो रही है, कल किशोरगंज में पुलिस की छावनी के रूप में बदला हुआ था, उसके बाद सामने मर्डर हो जाता है, ये क्या दर्शाता है? आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक दूसरे धरने पे हैं ताकि सरकार की जो सोई हुई निंद्रा में है वो जगे और शासन प्रशासन अपना काम करे, निर्दोषों पर कार्रवाई नहीं करके वैसे दोषी जो हत्या में संलिप्त है, जो मर्डर किए हैं, जो रेप किए हैं, उनको तत्काल जेल भेजने का काम। एक सवाल देखा जाए, मुख्यमंत्री की तरफ बयान नहीं है,
जो नक्सली है उसको पकड़ने में आपका औकात नहीं है। गुमला में दोनों भाई बहन आराम से धर्मा देखने जा रहे हैं, ऐसे लोगों को उठा के दोनों भाई बहन का मर्डर होता है, ऐसे मर्डर लोगों को आप पसंद नहीं करते हैं। घटना हो रही है उस पर अभी तो कुछ नहीं, ये सरकार निकम्मी है। ये तो मुख्यमंत्री जी से आपको प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि झारखंड की जनता ने जनादेश दिया है, पांच साल के लिए सरकार चलाने के लिए मौका दिया है, और झारखंड की जनता देख रही है कि आज जो उम्मीद उनसे किया था लोगों ने, वो सब उम्मीद जमीन पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। जो वादे उन्होंने वादे किए थे, झूठा आश्वासन दिया था, झूठे वादे करके ठग के चुनाव में वोट ले लिया, और पाँच साल अभी बीता नहीं, एक साल में जो सामने नजर आ रहा है उससे जनता बेहाल है। भारतीय जनता पार्टी की माने तो हेमंत सरकार के गठन के बाद तकरीबन 1700 राज्य में बलात्कार की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं अगर राज्य में हाल के दिनों में देखें तो जिस तरह से सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस तरह से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, निश्चित तौर पर ये सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती है। कैमरा पर्सन जैन के साथ सुजीत कुमार, मिरर मीडिया, रांची।